पुलिस को आपने अक्सर ये कहते सुना होगा कि अगर आपके पास कोई अनैतिक कार्य चल रहा हो, इसकी शिकायत पुलिस को करें। लेकिन जब शिकायत देने के बावजूद कार्यवाही ना हो तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत है। रेवाड़ी की शास्त्री नगर कॉलोनी में पिछले कई सालों से ऐसा ही कुछ चल रहा था, जिसे लेकर लोगों ने अनेक बार पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो महिलाएं आज एकत्र होकर नगर पार्षद की अगुवाई में पुलिस कप्तान से मिलने जिला सचिवालय पहुंच गई। लेकिन यहां उनकी मुलाकात डीएसपी से हुई। कॉलोनी वासियों की माने तो यहां रहने वाली कुछ महिलाएं बरसों से खुलेआम देह व्यापार कर रही हैं, जिसका असर उनके छोटे छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। वहीं जब इसे लेकर वे विरोध करती हैं तो ये महिलाएं उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी तक देने से नहीं चूकती। इतना ही नहीं, दिन भर यहाँ कॉलेज की छात्राओं का भी आना जाना लगा रहता है। तस्वीरों में आप जिन महिलाओं को अपनी फरियाद लेकर खड़ा देख रहे हैं, ये वही महिलाएं हैं जो कॉलोनी में कई सालों से चल रही जिस्म परोशी को लेकर न केवल परेशान हैं, बल्कि उनका यहाँ रहना भी दुश्वार हो चला है। और हो भी क्यों नहीं, बाहर से गाड़ियों में आने वाले लोग इनके घरों के आगे आकर ये पूछते हैं कि माल है क्या, यह सुनकर उनका सिर शर्म से झुक जाता है। डीएसपी से मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई, और जैसे ही पुलिस कॉलोनी में पहुंची तो कुछ लोग वहां से भाग पड़े, लेकिन पुलिस ने तीन महिलाओं सहित एक मजनू को काबू कर लिया और उन्हें थाने ले आई। थाने में खड़ी कॉलोनी की महिलाएं चीखती रह गईं कि यह सारा खेल पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है, मगर कुर्सी पर बैठे साहब ने यह कहकर पकड़ी हुई महिलाओं को छोड़ दिया कि इन पर कोई अपराध ही नहीं बनता। ऐसे में पुलिस की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि डीएसपी ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में जरूर कार्यवाही करेंगे, मगर अब देखना यह होगा कि आखिर यह कार्यवाही कब तक हो पाएगी। पूछेगा फलाना को घर कहाँ से गए, वो बीरबानी धंधो करा, हम क्यों हमने ना बेरोकित करा, कितना करा, फिर मार से आके बुझा कोई माल है, हम क्यों बताओ, हम मारते क्या खतर माल बुझ जाए, बुझो तो अपने अपने माँ भण बैठा का बुझो जो कितने, कितने घर काम ये ऐसा काम। दो घर है जी, टोटली दो घर है। हाँ, दो घर है, और वहाँ में लड़कियाँ हमें नई नई लड़कियाँ ले लेकर आऊँ। कौन है, किसका घर है ये? ये एक तो हीर तो है डाडरा को, और के नाम है वो औरत है यहाँ की, ये के नाम है जटतल की, पड़तल भोजास की। क्या नाम है औरत का? औरत का नाम है शकुंतला, और वो अपना आदमी ने छोड़कर तीन बालका लेकर हीरका के साथ रह रही डाडरा के साथ। देखो ये सारी मेरी वार्ड की मोहल्ले की हैं, वार्ड नंबर 20 की महिलाएं हैं, शास्त्री नगर में रहती हैं। एक दो महिलाएं हैं जो ऐसा सरेआम कर रही हैं, कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, इस तरह की लड़कियां वहां पे आती हैं और जवान बच्चे वहां पे आते हैं। तो ये बातें कई दिन से मैं सुन रही थी, इन्होंने मुझे भी कंप्लेन किया और मैंने भी वहां पे जाकर के मैंने उनको बोला है, मैंने कहा क्या ऐसा है, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन आए दिन ये डेली मतलब उनको देख रही थी और इन्होंने मुझे बुलाया, सारा मोहल्ला पूरा शास्त्री नगर इकट्ठा हुआ और मुझे बुलाया और वहां पे मैंने प्रेजेंट में मैंने देखा और वो जो भाग गए थे। आज आप इनके साथ आए, वार्ड की मुखिया हैं, क्या प्रयास करेंगे इनके लिए कि इस कॉलोनी के लिए? देखो ऐसा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, पूरे समाज पूरा वहां रह रहा है, तो ये समाज के खिलाफ ये बातें हैं, तो मैं पूरा इनका साथ दूंगी और पूरी लड़ाई लड़ूंगी, अगर ऐसा है तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। कतले का ये क्या मामला है सर? इन्होंने ये शिकायत दी है कि दो तीन औरतें हैं जो शास्त्री नगर के पास कूलर फैक्ट्री है, वो उनको धंधा करती है। सर बता रहे हैं कि पिछले चार साल से लगातार ये चल रहा है। किसी पुलिस वाले का नाम भी लिया है? नहीं, पुलिस वाले का कोई नाम नहीं लिया। अभी बता रहे अनिल एसपीओ है जो उनका घर आना जाना होता है, उसकी स्पोर्ट है उसकी हम तस्दीक करेंगे क्या बात है, क्या मामला है इसका। तो अभी क्या संज्ञान ले रहे हैं हम? अभी मैंने कह दिया महिला पुलिस स्टेशन को कार्रवाई की थी। तो क्या सुरक्षा मिल पाएगी? हाँ जी, क्या सुरक्षा मिल पाएगी इन महिलाओं को जो आएगी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल सुरक्षा होगी, कार्रवाई करेंगे और पहले भी करते रहे हम कार्रवाई।